हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पेरोल के सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। हम पेरोल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैं नई कंपनी बना लेता हूँ, ये पुरानी कंपनी है, तो यहाँ से न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी के विंडो पे जाकर क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ न्यू कंपनी की विंडो आ जाएगी। और जैसे ही न्यू कंपनी की विंडो आएगी तो एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को आपको भरना होगा, तब जाकर के और एक्सेप्ट करने पे आपकी कंपनी क्रिएट होगी। तो यहाँ पर वो फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पर माई फर्म के नाम से एक कंपनी बना लेता हूं, माई फर्म एंटर प्रेस किया, यहां पे एड्रेस डाल देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है, ये कंपनी है। और एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे स्टेट डालना कंपलसरी, तो स्टेट जरूर डालें। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे पिन कोड आ जाएगा, छोड़ते हैं अभी। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर आएगा, चलिए वो डेट डाल देते हैं जहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, हमारा काम स्टार्ट होगा 1 मई से, तो 1/5/2020 कर देता हूं। यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं, ठीक है। अब हमको पेरोल चालू करना है, तो जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो यहां देखिए जीएसटी वगैरह चालू है, टीडीएस भी एक्टिवेट है। टीडीएस जीएसटी से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, पेरोल को एक्टिवेट करना जरूरी है, तो पेरोल को एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए पेरोल भी एक्टिवेट है, तो कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं, अब सब कुछ एक्टिवेट है तो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। अब पेरोल जबकि एक्टिवेट होगा तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे तो आपको ये विंडो दिखेगी पेरोल मास्टर्स की, तो ये विंडो तब नजर आएगी जबकि पेरोल एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले देख सकते हैं इंप्लॉय का ग्रुप दिख रहा है, कैटेगरी अभी नहीं दिख रही है, तो यहां शो मोर पे क्लिक कीजिए तो आपको इंप्लॉय की कैटेगरी भी दिखेगी, ग्रुप भी दिखेगा, सारी कुछ चीजें यहां पे दिखने लगेंगी। तो यहां पे इंप्लॉय की कैटेगरी हमें बनानी है, ठीक है, तो कैटेगरी आप तैयार कर सकते हैं। यहां पे इंप्लॉय की कैटेगरी पे क्लिक करें और यहां पे कैटेगरी आप डाल सकते हैं, तो कैटेगरी में मैं कर देता हूं हेड ऑफिस, HEAD हेड ऑफिस, तो ये कैटेगरी हमने कर दिया हेड ऑफिस, एंटर प्रेस किया और इसको जैसे तैसे अब एक्सेप्ट कराते हैं, ये कहीं रहेगा कैटेगरी। अब फिर नीचे आएंगे, एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे, तो हमारे यहाँ अकाउंटेंट हैं, तो अकाउंट्स का एक ग्रुप बना लेता हूं, यहां पर हेड ऑफिस के अंतर्गत अकाउंट्स का एक ग्रुप बनेगा, यहां पे अकाउंट्स कर देंगे AOCOUNTS अकाउंट्स, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ प्राइमरी ही रखेंगे, सैलरी अभी डिफाइन नहीं करनी, ये हो गया। दूसरा जो ग्रुप बनाना है वो बनाना है सेल्स का, ठीक है, तो ये सेल्स का एक ग्रुप बना लिया हमने और इसे भी करा लेंगे एक्सेप्ट, दोनों ही हेड ऑफिस के अंतर्गत है। अब बाहर आ जाते हैं, ये चीज हो गई, ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गया, आप इंप्लॉय भी बना सकते हैं। चलते हैं पहले हम अटेंडेंस बना लेते हैं, तो ये अटेंडेंस पे आ जाएंगे और अटेंडेंस में हम डाल देते हैं एब्सेंट, अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसके लिए ये एब्सेंट बना रहा हूं, और यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे और अटेंडेंस विथ पे, ठीक है। तो कुछ अटेंडेंस ऐसा होता है जो विथ पे होता है, लेकिन एब्सेंट पे मैं करूंगा लीव विदाउट पे, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब बाहर आ जाते हैं, अटेंडेंस भी हमने बना लिया, पेहेड बनाना है और पेहेड बनाने के बाद इंप्लॉय बनाना है, तो पहले इंप्लॉय ही बना लेते हैं, तो यहां कर देता हूं राम और एंटर प्रेस करता हूं। अच्छा, यहां पर आऊंगा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, यहां पे देख सकते हैं ये प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दी हुई है, ठीक है, लेकिन हमें यहां पे रखना है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कर दिया हमने। यहां पे जैसे ही आएंगे तो यहां पे राम आएगा और यहां पर आएगा, देखिए यहां पे प्राइमरी है और यहां पे 1 मई को डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहां पे इसको नो रखते हैं और यहां पे एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, डेजिग्नेशन ये क्या है, अकाउंटेंट है क्या है, जो भी हो, तो यहां अकाउंटेंट, तो ये अकाउंटेंट कर दिया मैंने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और बाकी सारी चीजें ऐसे डाल उनके आप यस कर दीजिएगा, पूरा डिटेल एक्सेप्ट करा लीजिएगा, बाकी भी कोई और भी डिटेल होगी तो वो भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर आवर्स आपको बना लेना होगा, अगर कोई ओवर टाइम करता है तो यहाँ आवर्स में उसे हम पैसे देंगे, तो यहाँ आवर्स कर दिया मैंने और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लिया। और इसको बनाने के बाद अब फिर नीचे देख सकते हैं अटेंडेंस हम बना ही चुके हैं, ठीक है, और पेहेड हमें बनाना है, तो यहाँ पेहेड बना लेते हैं, तो पेहेड में हम करेंगे बेसिक सैलरी, तो ये लिखता हूं मैं बेसिक सैलरी, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है, ये फिक्स रहेगा। और यहाँ पे कर देते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ नेट सैलरी अफेक्टेड होगी बेसिक सैलरी, और यहाँ पर एंटर प्रेस करके और यहाँ पे करेंगे हम अटेंडेंस, ऑन अटेंडेंस यानी अटेंडेंस के बीच में हम सैलरी देंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे एबसेंट करके और फिर यहाँ पे मंथ कर देंगे करके कैलेंडर पीरियड करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट करा लिया, हमने एक पेहेड बना लिया, ठीक है, दूसरा पेहेड बनाते हैं टीए के नाम से,
तो आप टीए भी बना सकते हैं, टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ट्रेवलिंग अलाउंस अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड रहेगा, और ये भी होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सैलरी अफेक्टेड होगी टीए। ठीक है, यहाँ पे एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे फ्लैट रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम और यहां पर आएगा मंथ। ठीक है, पूरे महीने भर में, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग वगैरह कर दीजिएगा आप, एक्सेप्ट करा लीजिए। अब इसके बाद डियरनेस अलाउंस के लिए डीए कर देता हूँ, टीए डीए और जो कुछ भी है ये कर दिया हमने। यहाँ पर भी फिक्स्ड रहेगा और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एंटरप्रेस करके और एंटरप्रेस करके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, डियरनेस अलाउंस भी होगा फ्लैट रेट, तो ये दे दिया हमने और ये मंथ वाइज देंगे। और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया इतना काम। इसके बाद अब क्या करना है, यहां तक टीए डीए बेसिक सैलरी ये सब तो हो गई। इसके बाद हम पीएफ बनाएंगे, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एंटरप्रेस करता हूं, एंटरप्रेस करता हूं। और प्रोविडेंट फंड क्या होता है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, जो आप पैसा पाते हैं उससे ये डिडक्ट हो जाता है, तो ये हमने कर दिया। और ये भी, ये क्या होगा, ये करेंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं रखता हूं लाइक, चलिए मैं इसको भी फ्लैट रेट ही रख देता हूं। ठीक है, और यहां पे मंथली काटेंगे हम पीएफ। चलिए एंटरप्रेस करते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये सब कुछ बना लेने के बाद अब बाहर आ जाएंगे, और यहां पर जैसे ही आएंगे वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पे पेमेंट वाउचर दिख रहा है। तो आप अटेंडेंस बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, अटेंडेंस बनाने के लिए वाउचर में जाएंगे, और यहाँ से आपको मिल जाता है ये ऑटो फिल का ऑप्शन। अगर वो एब्सेंट है एम्प्लॉई, तो यहाँ ऑटो फिल पे चले जाइए, यहाँ पर सकते हैं अकाउंट्स तो हो गया, ये नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर प्रोडक्शन टाइप, प्रोडक्शन टाइप इनका क्या है, अटेंडेंस, अटेंडेंस यहाँ दिया हुआ है। तो अगर ये एबसेंट है एक भी दिन, तो जैसे मान लीजिए ये एक दिन एबसेंट है, तो यहाँ एम्प्लॉय का नाम प्रिंट हो जाएगा, और ये एक दिन एबसेंट की डिटेल यहाँ आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब ये एक दिन एबसेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर पेरोल में चलना है हमें, पेरोल, तो पेरोल कहाँ से आएगा, हमको कहाँ चलना है, अब हमको चलना है वी प्रेस करना है, और यहाँ से प्रेस करना है, और कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट बना देता हूँ कंपनी का, उसी से हम पेमेंट करेंगे, पैसा सबको देंगे। और ये सिंगल एंट्री मोड में हूं मैं, तो SBI बैंक कर देते हैं यहाँ से, इस तरीके से ये आ गए, अंडर बैंक अकाउंट जाएगा ये बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट कर देते हैं। और यहाँ पे बैंक खाते का नंबर आएगा, तो यहाँ पे बैंक खाते का नंबर डाल देता हूँ, ये डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा इसका, जो भी हो, छोड़ते हैं फिलहाल, ब्रांच ऑफिस का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ देवरिया। ठीक है, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए, और इसे करा लीजिए एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करा लिया। लेकिन अभी तब तक ख्याल आया कि यहाँ पे ये रेड में क्यों आ रहा है, एक को पैसा है ही नहीं है, तो इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अल्टर पे आ जाइए, चिंता मत कीजिए, अल्टर पे आ जाइए। लेजर बनाए थे ना बैंक अकाउंट का, SBI बैंक, तो ये देखिए SBI बैंक यही है ना, इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए यहाँ पे आके नीचे, ये देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे। तो यहाँ पर अब आप कुछ ओपनिंग बैलेंस इसमें डाल दीजिए, तो एंटरप्रेस कर दिया, एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब आपको वो एरर नहीं आएगी, तो वी प्रेस करके डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं। अब SBI बैंक में आते हैं, तो यहाँ पर जो कैश हमने डाला था वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो हेड ऑफिस में ये काम करते हैं, नाम है राम, और इन्हीं का हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगी। अब बेसिक सैलरी मान लीजिए इनकी 10,000 रुपए है, 10,000 दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे डीए टीए पीएफ इन सब की डिटेल डालनी होगी। तो ये डीए, तो मान लीजिए इनको डीए कितना मिलता है, तो डीए इनको मिलता है 500 रुपए। ठीक है, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बात करते हैं टीए की, तो ये टीए कर देते हैं, तो टीए इनको मिलता है लगभग 400 रुपए कर देते हैं, ये टीए 400 रुपए कर दिया हमने। और पीएफ कटा है, पीएफ कितना कटा है, तो ये भी हमने, और एम्प्लॉई है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे दिया हमने। और अब देखिए यहाँ पर सैलरी इनकी आ चुकी है 9,400 रुपए, बेसिक सैलरी हमने डाली थी 10,000 रुपए, तो उसके हिसाब से अब जो ये एब्सेंट थे एक दिन, तो एक दिन की सैलरी भी काट ली गई है, और उसके हिसाब से यहाँ 9,400 रुपए आ गया है। और अब इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूं इस तरीके से, ओके ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी।